चाहे कुछ भी हो जाए, मनीषा की दोस्ती अभिषेक के लिए हमेशा साबित हो ही जाती है। मनीषा और अभिषेक को सोशल मीडिया पर कुछ वक्त तक, कुछ महीनों तक ये सुनने को मिला कि दोनों के बीच की दोस्ती खत्म हो गई, जबकि ये दोनों अपनी फ्रेंडशिप प्राइवेट ही रख रहे थे। सोशल मीडिया पर आकर कुछ ऐलान नहीं करते थे कि देखो देखो आज भी हम बेस्ट फ्रेंड हैं या अच्छे दोस्त हैं प्रोफेशनली। लेकिन अब झलक के बाद से ही धीरे धीरे और भी इनकी इंटरव्यूज के जरिए या झलक पर अभिषेक का मनीषा को कॉल आना, ये सभी चीजें साबित करता है कि इन्हें सोशल मीडिया पर दोस्ती दिखाने की नहीं बल्कि बस सिर्फ दोस्ती निभाने की ही समझ है और वही ये चीज जानते हैं। ऐसे में हाल ही में जब मनीषा रानी को स्पॉट किया गया, तो यहां पर भी जब उनकी झलक की जर्नी या उनकी जीत पर बात हुई, तो मनीषा ने यही कहा कि हमें इस बात की बहुत खुशी थी कि जैसे ही हम शो को जीते, अभिषेक ने हमें उसी वक्त कॉल किया, वीडियो कॉल पर कांग्रेचुलेट किया और उसके बाद मेरी फैमिली ने भी किया। अभिषेक का नाम और उनको थैंक यू कहती हुई, एक्चुअली थैंक यू भी नहीं, बस ये दर्शाती हुई नजर आई कि उन्हें इस बात से कितनी खुशी होती है जब उनके परिवार, उनके ये खास दोस्त उनके साथ उनकी खुशियों में जुड़े रहते हैं। ऐसे में यहां पर ये क्लियरली साबित होता है कि मनीषा जब भी अभिषेक का नाम लेती है तो उनके उनकी बातों में ही एक अच्छी दोस्ती और उनके चेहरे पर उनकी स्माइल से वो चीज का पता चल जाता है। लेकिन उसी वक्त जब ये इंटरव्यू हो रहा था मनीषा का उनके स्पॉट होने पर, तो एल्विश यादव की जीत के बारे में भी पूछा गया और मनीषा ने जब कहा अच्छा वो जीत गया है और कांग्रेचुलेशन, मनीषा यहां पर क्लियरली यहां अपनी टोन से अपनी बात से ये चीज मेंशन कर देती है कि कौन सा इंसान उनके लिए ज्यादा जरूरी है और कौन सा नहीं। आज क्लियर है सबको कि मनीषा एल्विश से अपनी दोस्ती पूरी तरह खत्म कर चुकी है और अब लगता भी नहीं कि उनका शायद कोई इरादा होगा कभी भी एल्विश से बात करने का, भले ही एल्विश ये क्यों ना कह दे कि कभी मिलेंगे तो अच्छे से ही मिलेंगे। लेकिन लगता है कि मनीषा की ओर से इतनी ज्यादा अब दूरियां आ चुकी है एल्विश के कुछ गलत कारण की वजह से कि मनीषा उनसे बात भी नहीं करना चाहती, ना ही उनके बारे में करना चाहती हैं। क्या कहेंगे इस पर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाएं।